हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट एल्विस यादव। एल्विस यादव छपरी मास्टरमाइंड जो भी है, ठीक है, कंट्रोवर्सी इसका बादशाह बोल लीजिए या फिर छपरियों का बादशाह बोल लीजिए, छपरियों का किंग बोल लीजिए, जो भी आपको बुलाना हो, आप चाहे हेट करो चाहे लव करो एल्विस यादव को, बट ये पाँच चीज़ें आपको एल्विस यादव से सीखनी चाहिए जो आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्म ला सकती हैं। और ये छोटे छोटे लेसन ही एल्विस यादव की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किए हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, बट मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखना, क्योंकि कोई भी एक लेसन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पाँच लेसन बताऊँगा, चलिए। द फर्स्ट लर्निंग यू नीड टू लर्न फ्रॉम हिम, इससे सीखना चाहिए कि प्ले विद द इमोशंस ऑफ पीपल, लोगों के इमोशन से खेलो, क्योंकि पीपल आर इमोशनल नॉट होतिया, लोग होतिया नहीं होते, लोग इमोशनल होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे वॉचेस यू, ठीक है। हमेशा ऑलवेज तो वो लोगों के इमोशंस को क्या ट्रिगर कर सकता है उस पर कंटेंट क्रिएट करो। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है, आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हो ना, तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस को समझे, ठीक है, तो आपको बहुत कुछ बेनिफिट्स मिल सकता है, ठीक है। आप कभी भी मेंटल ब्रेकडाउन नहीं होगे, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैन्युपुलेट पीपल, हाउ टू मैन्युपुलेट पीपल इमोशन, लोगों के इमोशन से कैसे खेला जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत आपको डीपली समझना पड़ेगा, ठीक है। हम गुस्सा बहुत जल्दी होते हैं, हम थोड़ा आदमी से, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है ना, किसी ने कोई भी पर्टिकुलर सैड स्टोरी सुना दी तो हम उस पर विश्वास करना चालू कर देते हैं, एंड दैट्स व्हाट अस मेक वीक, जो हमको बहुत कमज़ोर बनाता है और बहुत बहुत स्ट्रांग भी बनाता है, अगर आप सही तरीके से आप इस चीज़ को यूज़ कर पाए, ठीक है। तो इमोशंस के रेंज में आप देख सकते हो, बिग बॉस के रेंज में आपने कभी भी एल्विस को रोते हुए नहीं देखा। बिग बॉस में जब गए थे तब क्राइंग सीन था, ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी हुई थी, ऊपर नीचे हुई थी, ठीक है, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज में ऐसा हुआ है कि एल्विस प्रॉपर वे में अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और फिर आगे बात करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हैं, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर वे में लोगों से रिलेट नहीं कर पाओगे ना, ठीक है, तो वो चीज़ करते रहना चाहिए। अगर इफ़ यू आर मेकिंग एनी मिस्टेक, ठीक है, आप गलती कर रहे हो, आपसे गलती हुई है, जानबूझकर हुई है या फिर अनजाने में हुई है, तो अगर आपने गलती कर दी और आपको समझ में आ गया, तो एक्सेप्ट वो गलती, एक्सेप्ट करो और लोगों के सामने प्रॉपर वे में इमोशनल होकर आप अपनी स्टोरी समझाओ, सुनाओ। तो आदमी तो विश्वास करने के लिए बैठा है, ठीक है, जो आपको फॉलो करता है, जो आप पे ट्रस्ट करता है, वो आपका है, आप कुछ भी बोलोगे वो ट्रस्ट करेगा, ठीक है, उस चीज़ को आपको लेके चलना है। एंड द सेकेंड थिंग यू नीड टू लर्न फ्रॉम एल्विस यादव इज केयरिंग अबाउट फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिकॉज दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ, हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिग बॉस के जीतने का कारण एल्विस का कटारिया क्यों था, उसके पीछे कारण है, क्यों, क्यों जितना कंटेंट एल्विस का बॉस से सर्कुलेट हो रहा था वो तो ठीक था, ठीक है, उसको हाइप करके, उस पर रिएक्ट करके इंस्टाग्राम, रही बात यूट्यूब पे, प्रॉपर वे में ब्लॉग्स डाल के, प्रॉपर वीडियोज डाल के, घर वाले से कनेक्ट करके, तो वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में लोगों को प्रेजेंट किया और लोगों ने सपोर्ट मांगा और लोगों ने सपोर्ट दिया, खुलकर भर भर के सपोर्ट दिया, और बहुत ज़्यादा वोट से जीता। उसका कारण क्या था, फ्रेंडशिप, ठीक है। आज की दुनिया में बहुत ख़राब दुनिया है, लोग धोखे देने के लिए तैयार है, ठीक है, तो इसमें आज की दुनिया में आपको एक बहुत अच्छा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। अगर पॉसिबल हो तो तीन चार दोस्त ऐसे रखो जो हमेशा आपके साथ खड़े रहें, आपको सपोर्ट करें और आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करें। तो ऑलवेज कंसिडर टू हैव अ गुड फ्रेंड, ठीक है, तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, जो हमेशा अगर आप उनके लिए एक कदम बढ़ाते हो तो वो आपके लिए 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं, वो हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे, चाहे आप गलत हो चाहे सही हो, ठीक है। अगर आप गलत भी होगे ना तो आपसे बोलेंगे कि आपकी गलती है, उसको एक्सेप्ट करो और प्रॉपर वे में जो भी करना हो उसको सजेशन भी देते, उस वे में आप आगे निकल के आओगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, अगर आप ये करोगे ना तो आपकी चीज़ें निकल के आएंगी, ठीक है। थिंग दैट यू नीड टू फोकस इज फाइंड कॉन्ट्रोवर्सीज एंड क्रिएट कॉन्ट्रोवर्सीज, ठीक है, जो भी हो सकता है कॉन्ट्रोवर्सी से जिस तरीके से हेल्प हो सकती है तो उस तरीके से अपने आप की हेल्प करो, ठीक है।
ठीक है, फाइंड अ वे टू हेल्प योर सेल्फ एंड ग्रो थ्रू देम। ठीक है, आपको कुछ लगता है ना, कोई भी कॉन्ट्रोवर्सीज आपके अराउंड चल रही है, आपके पीछे चल रही है, आपके आगे चल रही है, ठीक है, और आपको लगता है कि आप उससे फ़ायदा हो सकता है, तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, एलविश यादव के बारे में हम बात करें तो टिकटॉक की कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी तब भी उसने एक बहुत बढ़िया रोल प्ले किया था, ठीक है, उस कॉन्ट्रोवर्सीज में। ठीक है, तो टिकटॉक वाली टिकटॉक बंद कराने का सिस्टम था, ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज आई, ठीक है, मैक्सटन की हो गई, उससे क्या रहता है कि उससे रीच प्रॉपर वे में कंसर्न रहता है, प्रॉपर वे में अटेंशन मिलती है और प्रॉपर वे में लोग काम कर पाते हैं और अच्छा खासा पैसा मिलता है। ठीक है, क्योंकि लोग आजकल इंडिया में आप देखोगे कि झगड़ा देखना चाहते हैं, लोग पसंद करते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है, और लोगों की अटेंशन कैप्चर करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मैंने लास्ट वीडियो ध्रुवराडी बनाई थी, उसमें जाके चेक कर सकते हो कि अटेंशन कैसे कैप्चर करना है और लगातार अटेंशन कैसे बनाए रखना है, वो आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रोवर्सीज पे, तो प्रॉपर वे में आपको देखना है, जैसे भी जो भी काम चल रहा है उसको करो, ठीक है, उससे हेल्प आउट करो। ठीक है, एक आपको शॉर्ट करना है, ठीक है, आपके बारे में 10 चीज़ चल रही तो आपको वो चलते रहना चाहिए, आपको इस तरीके से देखना है। ठीक है, आपको एक शॉट लेना है, आपके चारे में 10 बुराई चल रही, उन सारी चीज़ों को एक साइड में लिया, एक वे बनाई, एक काम किया और उसको इतनी तरीके से आपको शॉट खेलना है, जब आपकी बारी आएगी ना तो आपको उस खेल को जीतना है। ठीक है, और सेम विद अभी आजाद खान की चल रही है, आपने देखी होगा आजाद खान ने इतनी सारी वीडियो बनाई, इतना सारा बोल लिया, ठीक है, पर 15 दिन बाद अभी आप अभी रिस्पॉन्ड किया, मैं भी चेक कर रहा था कैसा क्या चल रहा है, मैं भी फॉलो करता हूँ एलविश यादव को थोड़ा बहुत। ठीक है, तो मैंने देखा रिप्लाई हर एक जगह, कहते यूट्यूब पे देखो आप, यूट्यूब पे हर एक जगह चल रहा है आजाद खान वर्सेज एलविश यादव, उसमें रजत दलाल भी कूद गया। ठीक है, तो ये सब क्या रहता है कि आप अटेंशन कैप्चर करते हो, कोई कुछ नहीं करने वाला, पुलिस ऐसी नहीं बैठी, पुलिस इसलिए नहीं है, ठीक है, तो पुलिस प्रॉपर वे में इनकी लाठी बजाएगी इन पर, ठीक है, इनको जब लगेगा पुलिस तो इनकी तोड़ देगी। बट इसका क्या रहता है कि ऑनलाइन अटेंशन में कोई भी नहीं है, ठीक है, एक दो केसेस भी होंगे तो वो सेटल हो जाते हैं, तो उस चीज़ पर देखो कि आप कॉन्ट्रोवर्सीज को किस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, आप उस तरीके से कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। हम बात कर लेते हैं ध्रुव राठी की भी, तो वो भी उस तरीके कंटेंट बनाता है कॉन्ट्रोवर्शियल, उससे क्या रहता है कि लोग ज़्यादा रीच देखते रीच जाती है और ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। फोर्थ पॉइंट, सो दैट यू आर स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस, सो दैट यू आर स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस एंड यूज दैट टू स्केयर पीपल। ठीक है, देखो जब तक आप ये शो नहीं करोगे आप स्ट्रॉन्ग हो, आप डेंजरस हो, तो लोग किसी को भी फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, आज एक अल्फा मेल का चल रहा है, ठीक है, जिसमें एटीट्यूड रहता है, जिसमें घमंड रहता है, वो टोरस रहता है, सब कुछ गाड़ी पैसा सब कुछ है, वो प्रॉपर वे में दिखाते हैं। ठीक है, तो वो एलविश यादव भी कर रहा है। ठीक है, तो उससे हमको क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, हमेशा आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी लोकल फाइट में हो, या फिर किसी भी स्कूल में हो, या कहीं पे भी हो, तो आप हमेशा अपने आप को डेंजरस शो करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप डेंजरस नहीं होगे तो लोग आपको बुली करेंगे, लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे, लोग आपका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, तो आप डेंजरस रहोगे ना तो आपसे लोग रिस्पेक्ट से बात करेंगे, अगर आप स्ट्रॉन्ग इमेज आपकी पोर्ट्रे करते हो ना तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको आगे प्रॉपर सपोर्ट भी करेंगे, तो इस चीज़ को लेके चलना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने ये एलविश यादव से नहीं सीखा तो भाई साहब बहुत कुछ बड़ी बात है ये। ठीक है, वो है कि क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक है, जितने आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रहेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट्स रहेंगी ना, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ एलविश यादव किस तरीके से पैसा कमाता है। ठीक है, आपकी एक यूट्यूब हो गया, ठीक है, दूसरा पेड मेंबरशिप हो गया, थर्ड हो गया कहते हैं कुछ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, फोर्थ हो गया स्टॉक मार्केट हो गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस वगैरह चलता है, एडवाइस वगैरह भी चलती है उसकी। ठीक है, वो इतनी सारी चीज़ों पर फोकस करता है। एक इनकम तो है उसकी जो यूट्यूब है, यूट्यूब तो फ्रंट है, लोगों को पता है सिर्फ यूट्यूब का, उसके साथ साथ भी उसके तरह बिजनेस चल रहे हैं बैक एंड में, मर्चेंडाइज हो स्टोर चाहे, तो इतनी सारी चीज़ें कर रहा है वो, तो वो उससे पैसा भी कमा रहा है और बहुत सारा पैसा कमा रहा है, छोटा मोटा नहीं। तो इससे हमको सीखने को मिलता है कि एक स्ट्रीम ऑफ इनकम हमेशा बर्बाद हो जाएगी। अगर आप एक स्ट्रीम ऑफ इनकम पे फोकस करोगे तो अगर कोई भी चीज़ हुई, सडनली कोई पेंडेमिक आ गया या फिर कुछ भी हो गया,
तो हमेशा लोग बर्बाद हो जाते हैं। आपने देखा होगा रिसेंटली जब कोरोना आया था ना, जो आदमी प्रॉपर वन स्ट्रीम ऑफ इनकम थी, जॉब करते थे या पर्टिकुलर कोई काम करते थे ना, तो कोरोना के कारण सारे के सारे काम बंद हो गए थे, ठीक है। तो लोग पैसा नहीं कमा पा रहे थे। तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है कि मल्टीपल इनकम सोर्स होना चाहिए, और एलविस यादव इसमें विश्वास करते हैं और बहुत सारा पैसा कमा रहा है, ठीक है। जहाँ से पैसा मिलता है वहाँ वो कमा रहा है, जहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है वहाँ का कर रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अभी तक हमारी वीडियो में होना तो एक पॉइंट स्पेशल बोनस पॉइंट है, ये आपको सीखना चाहिए कि लर्न एंड इम्प्रूव योर सेल्फ। एंड सेकेंड कि इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कि चेंज योर सेल्फ वेन नीडेड, ठीक है। अगर कोई बदलाव रहा है, ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ रहती है। अगर आपको एक चीज़ से रिजल्ट नहीं मिल रहा तो दूसरी चीज़ पे काम करना चालू करो। अभी मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में एलविस यादव खुद की तो पर्सनल वीडियोज़ बनाता था, ठीक है, जो मेन चैनल है उस पर वीडियो बनाता था, उस पर 10 मिलियन 10-12 मिलियन 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर थे उस वक्त पे 2019 के टाइम पे, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या किया, उसने रोस्टिंग स्टार्ट किया। रोस्टिंग 2019 में बहुत ज़्यादा पीक पे थी, ठीक, गेमिंग भी नहीं थी। 2020 और 2021 में गेमिंग पीक पे आई थी, ठीक है। तो उसने उस चीज़ का यूज़ किया रोस्टिंग का, ठीक है। तो स्टार्टिंग में रोस्टिंग की वीडियो बनाई उसने दूसरे चैनल पे, तो वो बढ़िया रहा, ठीक है। अब रोस्टिंग से रोस्टिंग बंद हुई, उस पर व्यू नहीं आ रहे थे, तो उसने क्या किया कि उसी रोस्टिंग चैनल को ब्लॉग्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ब्लॉग्स डालने लगा, ठीक है। तो बदलाव से आपको डरना नहीं है, आप क्या कर सकते हो, क्या इम्प्रूव कर सकते हो, उस चीज़ पर फोकस करो, क्योंकि चेंज इज रिक्वायर्ड। अगर आप बदलोगे नहीं आप बर्बाद हो जाओगे।